रिएक्शन विद मैग्नीशियम, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, ओके। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो व्हेन यू हैव एनी अल्काइल हैलाइड आर एक्स, आर का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, एक्स इज हैलाइड, सो दिस इज अल्काइल हैलाइड, यू आर रिएक्टिंग दैट विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ सेम ड्राई इथर, ओके, देन इट विल फॉर्म आर एम जी एक्स, इट विल फॉर्म आर एम जी एक्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी जनरली कॉल इट एज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके। आप बहुत सारे रिएक्शन पढ़ोगे बेटा इन फ्यूचर जो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन रिएजेंट के बेस्ड होंगे, ओके। पहले मैं आपको बता दूं, अल्काइल मतलब कार्बन, मैग्नीशियम मतलब मेटल है, ओके। मेटल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, ओके। सो आई विल ऑलवेज राइट एम जी से एक्स, अगर इसको मैं एक यूनिट मानता हूँ, सो एम जी इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस अल्काइल ग्रुप इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, तो जो अल्काइल ग्रुप होगा दैट विल बी माई न्यूक्लियोफाइल, ओके, दैट विल बी माई न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ये एम जी टू पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब टू पॉजिटिव एंड एक्स इज ऑल्सो नेगेटिव, पर एक्स इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल इन कंपेरिजन टू अल्काइल ग्रुप, ओके। तो ये अटैक करेगा हमेशा, ओके, ठीक है, आने वाले रिएक्शन के अंदर। तो आपके पास में कोई भी एग्जाम्पल ले लूं, सी एच थ्री सी एच टू बी आर, ओके, प्लस एम जी, सो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, ओके, सो दिस इज सी एच थ्री सी एच टू बी आर, ओके। तो ये बन गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग ये है कि ये वाला ग्रुप आप कोई भी चूज कर सकते हो, ओके, ये वाला ग्रुप जो है वो आप कोई भी चूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ओके। अभी मैं लास्ट में कन्वर्जेंस कराऊंगा तो वहां पे मैं सिखाऊंगा कि आपको कि इसको यूज कैसे करते हैं, ओके। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन विद रिडक्शन, राइट। सो यू हैव एनी अल्काइल हैलाइड, so you have any alkyl halide, if you you know reduce it hydrogen in the presence of catalytic reduction, platinum, palladium या nickel, इनमें से कोई भी एक ले लो, nickel, platinum, palladium एक ही ग्रुप में लाई करते हैं डी ब्लॉक में, and they are act as catalyst, okay, heterogeneous catalyst, so it will become RH plus HX. So simply reduction will takes place. Okay. This is an important question, important reaction, but not that much. So next is, suppose we have alkyl halide. I'm talking about reaction of halogenation. Okay. Here, this is the reduction. Suppose I have already one alkyl halide, CH3Cl. I am going to do halogenation, chlorine in the presence of light. We know that it's minus HCl and it is converted into CH2Cl2. Okay, it's a dichloromethane. But this reaction does not stop here. Ye reaction yahan pe nahi rukta hai. So this becomes CHCl3. This becomes chloroform. Again, H mu in the presence of Cl2. It will become CCl4. It will stop at carbon tetrachloride. जब कोई भी हाइड्रोजन आपके पास नहीं बचता है, ओके? ओके सर। गुड। सो दैट इज रिएक्शन इज हैलोजिनेशन, ओके? हैलोजिनेशन। वेरी गुड। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू रब दिस, ओके? एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। नंबर आगे तू लिखा है, ठीक है। हैलोजिनेशन। Done?
Now we will going to study another reaction, that is the action of heat. What will happen when you heat the compound? For example, you have CH3, CH2, CH2Cl. Okay, so there are mainly two products we have got when we heat that. Okay, the first product is I have CH3, CH double bond CH2, a alkene. Okay, a alkene. Another is the rearrangement takes place. CH, Cl beech mein aa jayega, aur this is called isomerization. कौन सा रिएक्शन हो गया? आइसोमराइजेशन. इट इज अ आइसोमर बन गया, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गया है. ओके, सीएल यहां से यहां पे क्यों था? क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता, और यहां पे क्यों आ गया? क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है. तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी. यस यस. तो डिपेंडिंग अपॉन ज्यादा स्टेबल कौन सा है, दैट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड. ओके, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद बेंजीन. So that is a very important reaction, that is reaction with benzene, right? So this is the benzene we have. So when you react benzene with any alkyl halide, I said any, you can take any group depending upon your choice. Okay, in the presence of anhydrous AlCl3, it will be converted into CH3 group. Here the H will be, ye wala jo H tha wo CH3 se replace ho gaya. Okay, and this reaction lies in the category of electrophilic substitution reaction. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो अभी मैं इनके मैकेनिज्म नहीं करवा रहा हूं आपको, इनके मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है, एंड दैट विल डू एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. ओके, इट डिपेंड्स कि विच प्रोडक्ट यू हैव टेकन, राइट, एंड अकॉर्डिंग टू विच दैट सेम प्रोडक्ट यू विल गेट. सो चूज your alkyl group wisely. So alkyl group आपने अपने vicinity के हिसाब से आपको क्या चाहिए वो choose करना है. Okay? Good. So that's all from alkyl halides. That's all from alkyl halides. Now we will study about aryl halides. Hello. Aryl halides. Okay. Or haloarenes. Hello. Arenes. Okay. Haloarenes. So similar way, I will distribute this also in three major categories. And the number one category is journal method of synthesis. Journal method of synthesis. Number two is what? Physical properties. Number three, chemical properties. Yes. So, सबसे पहले हमने पढ़ना है direct halogenation method, right? That is the halogenation. Okay. The very first method is we can see that if I write it one like this, the one is direct halogenation method. Okay, कि आप direct halogenation कैसे कर सकते हो? तो you have to choose your aromatic compound like benzene, since you are going to do it benzene. Okay बेटा, so आपने क्या करना है, आपने क्लोरीन लेना है. Okay, और साथ में डालना है एक लेविस एसिड, और ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क. Okay,
लाइट नहीं होनी चाहिए, डार्क में ये रिएक्शन होगा एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड एज Cl हियर प्लस वट एवर एच सी एल. सो अनदर दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके एंड इन दिस रिएक्शन वट विल हैपन, मैं इसको थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूं फॉर यू. दिस इज माई सी एल. ओके सो दिस इज लाइज इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके नाउ वट विल हैपन, बट इट्स अ बिग issue in that that I want to discuss. If you not do this reaction in dark, agar aap is reaction ko dark mein nahi karoge to kya hoga? Okay, chlorine in the presence of light, then it will be halogenated at all the six corners. Okay, like this. And we simply light C6H6Cl6 or triple six. Okay, so benzene hexachloride is the common name, BHC, benzene hexachloride. तो बहुत ही अच्छा derivative था एक halogens का, that is DDT. DDT सुना होगा नाम आपने. It is a very good pesticide, but it was banned in India. So after the substitution, the BHC, benzene hexachloride, will be introduced as a new pesticides. Okay, because the DDT is not biodegradable, that's why it was banned in India in the world. Okay, and BHC is the substitute of DDT. तो हमने क्या करना है, हमने डार्क में ये रिएक्शन करना है. ओके लाइट के अंदर ये रिएक्शन नहीं करना है, होगा पर प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा. ओके अच्छा, हमें बीएचसी नहीं बनाना है, हमें अपना पेस्टिसाइड नहीं बनाना है. क्लियर? ओके गुड. सिमिलरली द रिएक्शन इज नॉट स्टॉपिंग हियर. सिमिलरली इफ यू वॉन्ट टू टेक I have benzene, but I have bromine, Br2. Okay, I am using similarly FeCl3 and dark. Okay, you will get a bromobenzene. Yeah, minus HCl. Okay, any doubt? But what is important? Important is if already halogen is attached. If already any halogen like chlorine is attached, I again want the same reaction, FeCl3 and dark. Okay, the product obtained is at ortho and para position. Cl plus same product is at para position, ortho and para substitution. Any doubt? So this is my ortho. Ortho means jisko substitution ko main main maan raha hu, isse jo next position hogi wo ortho hogi, usse next meta hogi, aur jo uske para mein hogi wo para position hogi. Okay, that we have already discussed hai na in basics chemistry. So that is the para product. And ortho and para product we will get. Okay, good. That is the very first method in which we'll do direct halogenation. Okay, direct halogenation hum ek Lewis, agar aapka koi puche FeCl3 ka kya role hai iske andar, okay, to FeCl3 is a Lewis acid and act as halogen carrier. Ye question bahut pucha jata hai paper ke andar ki Lewis acid ka kya role hai yahan pe. लेविस एसिड एक्ट करता है एक हैलोजन कैरियर की तरह. ओके बिल्कुल. सो आई एम गोइंग टू रब दिस. नाउ द सेकेंड मेथड, द सेकेंड इंपॉर्टेंट मेथड इज फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट. यस, फ्रॉम डाइजोनियम
सॉल्ट, ओके, डाइजोनियम सॉल्ट। अब ये डाइजोनियम सॉल्ट होता क्या है, पहले सबसे पहले बात तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाते कैसे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग सोडियम नाइट्राइट लेते हैं, NaNO2, ओके, इट इज अवेलेबल, इट इज अ सॉलिड एंड इजिली अवेलेबल इन द लैब्स। इनको हम लोग क्या करते हैं, HCl में डिजोल्व कर लेते हैं बेटा, एंड टेम्परेचर शुड बी 0 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत ठंडा कर लेते हैं, कहने का मतलब है। तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू HNO2 प्लस NaCl। ये NaCl तो पानी में डिजोल्व हो जाता है बेटा, और वहां पे ये HNO2 बन जाता है, ठीक है। आप जहां पे भी देखोगे आपको HNO2 के ऊपर मैं स्टार लगा दूंगा, स्टार का मतलब होगा फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। अदरवाइज एयर और सनलाइट के रिएक्शन के साथ, ओके, एयर और सनलाइट के रिएक्शन के साथ दिस HNO2 इज कन्वर्टेड इनटू HNO3, इट इज अ नाइट्रिक एसिड, ओके बेटा। एंड वी डोंट वॉन्ट दिस नाइट्रिक एसिड, वी वॉन्ट दिस नाइट्रस एसिड। क्या नाम है इसका, नाइट्रस एसिड, ओके बेटा। चलो अब आपको ये क्लियर हो गया, टेम्परेचर शुड बी 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ व्हाट विल हैपन, यू शुड हैव अ अमीन, कोई भी एक अमीन ले लो NH2, उसके अंदर आप ये HNO2 डालो फ्रेश बना के, ओके। नाउ टू कंडीशंस आर देयर, टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस आर देयर, लेट मी एक्सप्लेन यू। फर्स्ट कंडीशन, यू हैव मेंटेन द टेम्परेचर एट 0 to 5 degree Celsius, ओके, यू हैव मेंटेन द टेम्परेचर अप टू 0 to 5 degree Celsius। In that case, you will get a N triple bond N, ये नाइट्रोजन पॉजिटिव हो गया और यहां पे Cl नेगेटिव हो गया, एंड वी विल कॉल इट बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, ओके, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बहुत सारी बुक्स हैं बेटा जहां पे शायद कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सो एक ही बात है, वो N ट्रिपल बॉन्ड N को N2 रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड देर इज नो बिग डील इन दैट केस, ओके। नाउ If your temperature is room temperature, then what will happen? क्योंकि यहां पर HNO2 और ये अपने dissolve करा था, बहुत सारा पानी वैसे ही available था, okay? बहुत सारा पानी already available था, तो आपका azonium salt बनता तो है, आपका azonium salt बनता तो है, पर वहां पे पानी अटैक कर देता है और ये सारे प्रोडक्ट निकल जाता है वहां से, ओके। देन व्हाट यू विल गेट एट दैट टाइम, वी विल गेट अ फिनॉल, ओके, वी विल गेट अ फिनॉल। सो इट इज मैंडेटरी दैट यू शुड हैव अ टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 degree Celsius इफ यू वांट टू मेंटेन, ओके, if you want to maintain your diazonium salt, okay, then you will add something and will get the product. Otherwise, if you have maintained at 0 degree Celsius, then you allow it to come back to room temperature, it again decompose to give you phenol, okay, it will maintain for some of the time, then it will convert it into phenol. So that is the things going on in the reaction, okay? ठीक है. Okay, good. So next is, now I'm going to rub this, okay? So हमने यहाँ पे क्या बना लिया?
बेंजीन बेंजीन ये डाइजोनियम क्लोराइड ओके एक राइड. डाइजोनियम सॉल्ट बना लिया ओके अब इस डाइजोनियम सॉल्ट के हमने पढ़ लिया कि इसको मेंटेन कैसे करना है इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे अंदर ओके नाउ व्हाट वी विल डू वी विल गोइंग टू डू रिएक्शन ओके व्हाट आर द रिएक्शन वी हैव अ डाइजोनियम सॉल्ट N triple bond N Cl negative positive you can add CuCl in presence of HCl CuCl in presence of HCl then what will happen तो आपका यहां पे Cl आ जाएगा ओके प्लस N2 गैस जो है वो वहां से इवॉल्व हो जाएगी क्लियर हाँ जी सिमिलरली इफ आई विल यूज सेम रिएक्शन एन ट्रिपल बॉन्ड एन सी एल नेगेटिव पॉजिटिव एंड आई एम यूजिंग सी यू बी आर इन प्रेजेंस ऑफ एच बी आर ओके देन you will get Br on this position and then H2 will leave. Okay? So they are very important reaction, two very important reaction and the name of the reaction is Sandmeyer reaction. Okay? Sandmeyer reaction. So with Sandmeyer reaction, we will get what? We will get a yes, chloro and bromo benzene. Okay. But yes, if you have this N triple bond N positive Cl negative, you will add Hi and just warm. This salt, okay, you will get iodobenzene very easily. Okay, you will get iodobenzene. Fluoro का तो होता ही नहीं, ठीक है? Yes, ठीक है? Now, fluoro बचा है. There is only one method. There is only one method by which we can prepare fluorobenzene. Okay, so for that we need the diazonium salt. We need the diazonium salt. Okay, see, this is the diazonium salt and react it with HBF4. Okay, HBF4. Then it forms a complex. It forms a complex and it is N, triple bond N. Nitrogen is positive and BF4 is negative. BF4 is negative. When you heat this, then this compound will decompose. When you heat this, then this compound will decompose and give us fluorobenzene. Okay? Will give us fluorobenzene plus N2. Plus BF3 plus N2 plus BF3 and what is the name of the reaction? The name of the reaction is very important. That is Balz-Schiemann reaction. Balz-Schiemann reaction. Okay? क्या कहते हैं इसको Balz-Schiemann रिएक्शन हाँ वेरी गुड क्लियर सो विल डू विल लेटर स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज विल फर्स्ट कंप्लीट द केमिकल प्रॉपर्टीज ओके सो आई एम गोइंग टू रब दिस सो वी आर एबल टू प्रिपेयर एवरीथिंग नाउ वी विल डू द केमिकल प्रॉपर्टीज chemical properties okay
टू स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट लिसन टू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ओके सी दिस इज द बेंजीन रिंग ओके इफ ऑलरेडी हैव पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज हैलोजन दिस इज हैलोजन ओके सो इफ यू कंसिडर दिस then this part is already electron rich to agar ye part already electron rich hai then only electron poor species can अटैक ऑन दैट ओके तो इस पे क्या होगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशीज जो है वो इसके ऊपर क्या करेंगी अटैक करेंगी क्लियर एंड व्हाट यू कॉल दैट इलेक्ट्रोफाइल ओके तो हम कोई भी इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे ओके अंटिल और अनलेस वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक ना हो पढ़ेंगे जरूर शुरू भी इसी से करेंगे बट उतने फैमिलियर रिएक्शन नहीं होंगे वो ओके ठीक है हाँ तो सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले रिएक्शन जो है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि ये डेफिशिएंट है कोई और मोर डेफिशिएंट आएगा ओके वो आके अटैक करेगा ये डेफिशिएंट निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके ओके सच काइंड ऑफ रिएक्शन दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reactions okay so that is a one thing I want to tell you number two my question is out of alkyl halide and aryl halide which is more reactive okay which is more reactive okay so acha mai ko batao single bond ko todna aasan hai ya double bond ko todna aasan hai ye x le lete hain hai single ko na ha bas fir that means you will get your answer okay so alkyl halide jo hai wo aisa sa structure hai aryl halide mein kya hota hai benzene ring hoti hai maine aapko pehle bhi karwaya tha हाँ जी और हेलोजन्स के ऊपर होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लोन पेयर इधर फॉल होता है यानी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है वो लोन पेयर है ना ये स्ट्रक्चर्स मैंने आपको एक बार करवाए हैं एंड रेजोनेंस के अंदर एंड हियर आई विल गेट नेगेटिव चार्ज ओके व्हेन दिस फॉल्स हियर इट विल गोज देयर okay this will come here double bond x aur ye positive ho jayega sabse badi baat hai x jo hai ke upar positive charge aayega kyunki x ne apna lone pair de diya hai aur ye yahan pe aayega aur ye yahan pe aa jayega so here is a double bond here is a double bond and here is a negative charge तो इन सारे स्ट्रक्चर के अंदर आप मेरे को बताओ एक्स कितने बॉन्ड बना रहा है टू ओके कितने बॉन्ड है एक्स और कार्बन में टू आप ध्यान से देखो इन सभी स्ट्रक्चर्स के अंदर कितने बॉन्ड है टू डबल बॉन्ड करेक्टर है ओके सो दैट्स व्हाई अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन अरायल हैलाइड्स व्हाई बिकॉज एल्काइल हैलाइड में क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है और यहाँ पे क्या होता है डबल बॉन्ड करेक्टर है डबल बॉन्ड होता है हाँ जी डबल बॉन्ड करेक्टर है बेटा राइट सो दैट्स व्हाई अरायल हैलाइड जो होते हैं वो इतने रिएक्टिव नहीं होते हैं वेरी गुड ओके चलो अभी नेक्स्ट करते हैं हम लोग तो इसीलिए अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें तो जो अल्काइल हैलाइड्स हैं
है ना, वो ज्यादा इजिली देते हैं मतलब कोई भी किस्म के रिएक्शन, ठीक है, समझ गए हो? गुड। सो मैं इसको रब कर रहा हूं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब आप बोलोगे सर आप तो कहते थे न्यूक्लियोफिलिक होते नहीं है, यहां आप लिखवा रहे हो, है ना बेटा? तो सिंपल सी बात है बेटा, गरीब अमीर जो होता है वो गरीब पे अटैक कर देता है बहुत इजीली, ठीक है। अगर एक अमीर को दूसरे अमीर के ऊपर अटैक करना है, हाँ जी, पहली बात तो फिजिबल नहीं है, ठीक है, अगर करना भी है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा तैयारी के साथ करेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ करेगा, बहुत हाई टेम्परेचर पे करेगा, समझ गए हो? तो ये बात ध्यान में रखो। वैसे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एराइल हैलाइड नहीं देता है, कोई भी बेंजीन वाला कंपाउंड नहीं देता है, अगर देगा भी तो वो क्या करेगा, बहुत हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर ये काम करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड सॉरी, इसमें मैंने डाल दिया NaOH, सो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सो ये नेगेटिव ने अटैक कर दिया यहां पे और क्लोरीन निकल गया। ओके, वैसे तो ये रिएक्शन होता ही नहीं है, बट अगर इसको आप 615 केल्विन टेम्परेचर पे ले जाओ, ओके, और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई कर दो, इसका मतलब क्या हो गया, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम नहीं होता बेटा, बहुत ज्यादा होता है। ओके, ऑन दिस टेम्परेचर व्हाट विल हैपन, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू ONa, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, ऑब्वियसली बात, ऑक्सीजन, सोडियम इज अ मेटल एंड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, सो व्हेन यू न्यूट्रलाइज विद डिल्यूट HCl, when you neutralize it with dilute HCl, you will get your important compound that is phenol. Okay? क्या मिला आपको? Phenol मिल गया. Very good. Okay? So next is, ऐसा सा ही एक nucleophile और ले लेते हैं हम लोग, right? So पहले तो मैंने chlorobenzene लिया, फिर मैंने ammonia ले लिया, NH3. अब अगर मैं ध्यान से इसको भी देखूं, अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, अमोनिया ने ये अटैक करा और ये निकल गया, ओके, अमोनिया पे पॉजिटिव चार्ज नहीं मिलेगा, अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, बट इस रिएक्शन को करवाने के लिए भी हमें कंडीशंस या कैटलिस्ट चाहिए, 2NH3 यहां पे लगेगा प्लस Cu2O 475 केल्विन टेम्परेचर, 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, एंड देन आपका NH2 ग्रुप यहां पे जाके अटैच हो जाएगा, ओके, देन आपका NH2 ग्रुप यहां पे जाके अटैच हो जाएगा, स्टिल 475 मतलब अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर and 60 atmospheric pressure is again a big, big amount. क्योंकि catalyst डाल दिया है, इसलिए थोड़ा temperature and pressure जो है वो कम हो गया है. Clear? All right. So, अगर मैं एक और compound लूँ, okay, अगर मैंने यहाँ पे bromine ले लिया, मैंने ले लिया CuCN, this is positive, this is negative, and again this cyanide is going to attack और ब्रोमीन वहां से निकल जाएगा, कौन सा रिएक्शन हो रहा है ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को निकाल रहा है, ओके,
तो यहाँ पे क्या आ गया, सी एन आ गया यहाँ पे, ओके यहाँ पे क्या आ गया, सी एन आ गया है। तो जब यहाँ पे सी एन आ गया है ओके, तो ये रिएक्शन नॉर्मल तो होना नहीं है, इसलिए इस रिएक्शन को होने के लिए 500 केल्विन टेम्परेचर चाहिए और पिरिडिन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। ठीक है बेटा, हाँ एक बार साइनाइड बन गया, अगर आप साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कर देते हो, मतलब मेंटेन रही रख पाते हो अपने प्रोडक्ट को और उसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाती है, साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाती है या पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो जाती है, ओके या तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी या फिर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी। अगर इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाती है देन वी विल गेट बेंजोइक एसिड, देन वी विल गेट बेंजोइक एसिड। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो जाती है देन वी विल गेट बेंजेमाइड, ओके देन वी विल गेट बेंजेमाइड एज द प्रोडक्ट्स। क्लियर, गुड। नाउ वी विल गोइंग टू स्टडी, सो दे आर द फोर रिएक्शंस, ओके 1, 2, 3 एंड फोर्थ आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ। कैन आई रब दिस? यस सर। ओके नाउ वी विल स्टडी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ओके सो रिएक्शन नंबर 4 एंड व्हाट यू कॉल दैट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन aryl halide. So this is an important and very very important question in your 10 plus 2 class, okay, very important question, okay. So first of all, my first reaction is very simple, okay. So I'm giving you example of alkyl halide, okay, and we know that if NaOH wants to attack on that, we need 600 Kelvin temperature and 300 atmospheric pressure condition. Okay? So, number one is this. Number two is we need dilute HCl. We just did this reaction. Reaction number one. Okay? Then what will happen? And this will convert into OH. Okay? This will convert into OH. Now, what will happen? Another big issue. If I have, say, Cl, but one of the electron withdrawing group is attached to the para position, then what will happen? This nitro group withdraw the electron density? Haan ji? This group, what will it will do? It will withdraw the electron density towards itself and make this point electron deficient. Is point ko kya karega? Electron deficient bana dega. Agar ye point electron deficient hoga, to koi bhi nucleophile easily attack kar lega. Okay? Koi bhi nucleophile easily attack kar lega. So as isi ka result hai, jab maine NaOH ab dala, to mere ko 425 Kelvin temperature dena pada. ठीक है, और डिल्यूट HCl मेरे को डालना पड़ा, ओके हाँ जी, एंड प्रेशर इज अबाउट 6 to 10 एटमॉस्फेरिक, ओके वेरी वेरी लो प्रेशर, यू कैन चेक आउट कितना टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर फॉल आ गया है, एंड अगेन यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट, ओके बट It is very surprising. It is very, very surprising when I have attached two groups, two electron withdrawing group like nitro at the ortho
एज वेल एज ऑन द पैरा पोजिशन विद इन द सेम मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या हो गया? हाँ जी, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो गए हैं। जब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो गए हैं तो ये वाला जो कार्बन है दैट इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जब ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, ओके, और मैं अब इसके अंदर NaOH डाल रहा हूं, ओके, NaOH 350 केल्विन, नॉट एटमॉस्फेरिक, केल्विन टेम्परेचर एंड नो प्रेशर इज रिक्वायर्ड, ओके, देन डिल्यूट HCl, देन आई विल गेट वेरी इजिली माई फिनॉल, ओके। नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिएक्शन, सॉरी, ओके, व्हेन आई हैव अ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो पैरा और इस ऑर्थो पे भी, नाउ व्हेन आई हैव अ सीएल, आई हैव अ सीएल, ओके, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे बस NaOH डालना है और इसको वार्म करना है, ओके, अब मुझे NaOH डालना है और इसको वार्म करना है। सिर्फ हल्का सा वार्म करने पर ही हमारा रिएक्शन जो है वो हो जाएगा, ओके। तो एक बात तो यहां से क्लियर होती है कि देयरफॉर इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड, मैं लिख देता हूं, therefore if electron withdrawing group is attached, okay, is attached to the benzene ring to the benzene ring, this will decrease the electron density, this will decrease the electron density on the benzene ring and the attack of nucleophile and the attack of nucleophile will become easy, okay, haan ji. So more is the number of electron withdrawing group attached to benzene, okay, so more is the number of electron withdrawing group attached to the benzene, faster is the rate of nucleophilic substitution reaction, yes, okay, done, okay. Next is the reaction with metals. I'm going to rub this. रिएक्शन विद मेटल्स, अब मेटल्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मेटल जो है मेरे पास सोडियम ही रहेगी, हाँ जी, तो क्लोरीन, तो मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, ओके बेटा, जब ऐसा करूंगा तो क्या होगा, तो ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगी, ओके, तो आई नीड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस, टू ऑफ सोडियम, देन यू विल गेट दिस डाइमराइज प्रोडक्ट, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, एंड व्हाट इज द रिएक्शन, व्हाट इज नेम ऑफ द रिएक्शन, विटिंग रिएक्शन, विटिंग, not witting, that is fitting reaction, okay, fitting
रिएक्शन, ओके। तो अभी हम करेंगे, अगर एक इसी के अंदर ओके, अगर दोनों अल्काइल थे तो वो क्या था, वुड्स रिएक्शन, ओके। अगर एक वुड, एक तो था आपका अल्काइल हलाइड, एक था अराइल हलाइड, अब यहां से क्या निकल गया, 2NaCl, तो एक तो वुड्स हो गया, एक फिटिंग हो गया, तो ये क्या बन गया, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, क्या बन गया बेटा, यस। तो यहां पे क्या लग गया, CH3, तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ओके। सो वी कॉल इट वुड्स फिटिंग रिएक्शन। फिर से बताना सर एक बार। हाँ, इट इज वेरी सिंपल। देखो, जब तो मैंने लिखा था दोनों तरफ CH3 Cl प्लस 2Na प्लस ClCH3, तो ये निकल गया था। तो कहने का मतलब है, इधर भी अल्काइल हैलाइड था, इधर भी अल्काइल हैलाइड था, ओके। तो ये था वुड्स रिएक्शन। जब एलाइल की जगह इधर भी अराइल आ गया, ये देखो दोनों अराइल हो गए ना, ये दो आपस में जुड़ गए, तो ये बन गया फिटिंग रिएक्शन। जब एक अल्काइल है एक अराइल है, एक अल्काइल है एक अराइल है, तो ये बन गया वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ओके। फिटिंग, अच्छा ठीक है, हाँ, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, समझ गया, ओके। हाँ गुड।